क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो और एक दिन अचानक जब आप उठो तो एक गरीब के घर में एक गरीब की लाइफ जीनी पड़े आप लोगों को। ये फिल्म हमारी उसी बारे में। स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है वंडरफुल नाइटमेयर। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके हमें सपोर्ट जरूर करना। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की यनवू को देखते हैं जो अपनी स्टोरी बता रही होती है। बचपन में उसके फादर की मौत हो गई थी, जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसकी मॉम की भी मौत हो गई और ये अनाथ हो गई बिल्कुल ही। इसने एक कसम खाई कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाएगी। और यस, अभी प्रेजेंट में ये एक बहुत ही पॉपुलर और अमीर वकील बन चुकी है। हाँ जी, एक लॉयर है जो कि एक कंपनी में काम करती है। आज इसके पास एक केस आया हुआ है जहाँ एक बदतमीज लड़के ने एक गरीब लड़की के साथ गलत काम कर दिया है और वू को इस लड़के को बचाना है। इसके बदले ये लड़का बहुत सारे पैसे देगा वू को, क्योंकि ये काफ़ी अमीर होता है। वू मान जाती है ये केस लड़ने के लिए और विक्टिम यानी कि उस लड़की की फैमिली को डराती धमकाती है और कहती है कि देखो, अगर तुम लोग केस को लेकर कोर्ट में जाना चाहते हो तो चल लो, बट वहाँ पे बहुत सारे पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर ये भी डराती है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर मैं उल्टा केस करवा दूंगी, और विक्टिम की फैमिली पूरी तरह से डर जाती है और इनके पास पैसे भी नहीं होते केस लड़ने के लिए। इस वजह से ये लोग इस केस को जाने देते हैं और ये जो क्रिमिनल था वो जीत जाता है। इस बहादुरी से और इतने अच्छे काम की वजह से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था हमारे देखने से, जो वू का बॉस होता है वो इसको एक और काम देता है। वो कहता है कि मेरे ऑफिस के सामने जितने भी स्लम एरिया है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनी होती है उनको हटवा दो ताकि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा सकूँ। अब वू को ये आदमी एक लग्जरी कार और एक VVIP कार्ड देता है और इतना सामान मिलने के बाद वू कभी मना नहीं कर पाती उसको कि मैं नहीं करूँगी। वहाँ से घर आ जाती है और हम देखते हैं इसको जो कि एक लग्जरी अपार्टमेंट में अकेली रहती है और हद से ज़्यादा अमीर होती है ये। अब यहाँ पर इसको जो न्यू गाड़ी मिली है अभी अभी, उसमें बैठ कर ये एक जगह पर जाती है जहाँ पर ये अपनी फैमिली की कुछ यादों को देखती है और यहाँ से घर जाते हुए कार बहुत तेज ड्राइव कर रही होती है। सामने एक बिल्ली आ जाती है और उसको बचाने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोड से बाहर चली जाती है इसकी कार और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को हेवन में देखती है, यानी कि स्वर्ग में आ चुकी है ये। वहाँ के रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि कौन सी जगह है और ये क्या है, तो वो लड़की इसका बर्थ कार्ड मांगती है। बर्थ कार्ड जिसके हाथ में होता है ये देती है, तो पता चलता है कि वो गलती से मर गई है। इसकी जो मरने की डेट फिक्स थी वो 2054 की थी, बट ये अभी मर गई। स्टाफ जल्द से केस यहाँ के बॉस यानी कि डायरेक्टर के पास लेकर जाती है, जिनका नाम मिस्टर किम होता है, जो कि यहाँ के सब कुछ संभालते हैं। मिस्टर किम इससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें हमने पहले ही बुला लिया यहाँ पर, और इसे एक न्यू लाइफ ऑफर करते हैं जो कि एक हाउसवाइफ की होती है। वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि कहती है कि मैं किसी और की लाइफ क्यों लूँ, मुझे अपनी लाइफ चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी थी। मिस्टर किम कहते हैं कि बस यही ऑप्शन बचा हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो वरना यहीं पर रहो। बस फिर क्या था, वो को ना चाहते हुए मानना पड़ता है और इसकी आंखें जब खुलती है तो ये एक अपार्टमेंट में उठती है। इसकी एक फैमिली भी होती है और ये काफ़ी मिडिल क्लास होते हैं और खुद को देखकर ही चिल्लाने लग जाती है। और ये इसके हस्बैंड भी है जो कि इसको देखकर डर जाता है। ये फोटो से पता चलता है कि इसकी शादी हो गई है और इसके हस्बैंड का नाम संग है और इसके साथ ही दो बच्चे भी होते हैं, एक टीनेजर बेटी है जिसका नाम हानुल होता है और एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम हारू होता है। हारू छोटा बच्चा है इसलिए वो वू के पास आता है और कहता है मम्मी मम्मी मुझे बस स्टैंड लेकर चलो। अब उस बच्चे को क्या पता कि उसकी माँ नहीं कोई और है। यहाँ पर इसको बस स्टैंड लेकर जाती है और बस में बैठा देती है, तो यहीं पे बहुत सारी और भी लेडीज़ खड़ी होती है जो अपने अपने बच्चे को छोड़ने आई थी। ये लेडीज़ पता चलता है कि इसकी फ्रेंड होती है, बट इसको थोड़ी पता होगा कि इसकी फ्रेंड है। ये औरतें इसको पकड़ कर एक फैक्ट्री में लेकर जाती है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो जिसकी लाइफ जी रही है वो यहाँ पर फैक्ट्री में काम किया करती थी, बट वो तो यहाँ पर काम करना नहीं जानती कैसे करना, इसलिए वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है। और फिर इसको ये लोग यहाँ से लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि वो की जो फैमिली की कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती। ये लोग कर्जे के अंदर है और काफ़ी यहाँ वहाँ से लेकर अपने घर का खर्चा चला रहे होते पैसे, मतलब गरीबी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को काफ़ी। अब यहाँ पर ये भी बातें करती है औरतें कि तुम ये बताओ तुमने संग से 18 साल की उम्र में शादी क्यों कर ली थी। अब ये सुनकर इसका दिमाग ख़राब होने लग जाता है कि उस संग नाम के लड़के ने अपनी वाइफ यानी कि उस लड़की से 18 साल की उम्र में शादी कर ली और एक अंडर एज होता है। और यहाँ से ये भाग जाती है, उठकर बाथरूम में जाती है और जहाँ पर मिस्टर किम मिलते हैं इसको, जो कहते हैं जिसकी लाइफ दी है तुम्हें उसको अच्छे से जियो, मैं जल्दी ही तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस कर दूंगा कुछ दिनों में। ये घर आ जाती है और सोचती है अपनी लाइफ पहले जैसी जीने की, मतलब अमीरी में काफ़ी। ये ATM लेकर अपने घर का मार्केट जाती है, सामान तो भर भर के खरीद लेती है खाने पीने का, बट ATM में पैसे भी तो होने चाहिए ना कुछ। बेचारी घर वापस आ जाती है, कुछ नहीं हो पाता। शाम हो जाने पर बाकी हस्बैंड की तरह इसके हस्बैंड के भी अरमान जाग जाते हैं और वो इसे प्यार मोहब्बत करने के लिए इसके पास आ रहा होता है और यहाँ पर इसको पटक पटक के मारती है
और यहाँ नहीं, अभी और सुनो, यहीं पर नहीं रुकती, वो उसको खूब कोसने लग जाती है और कहती है कि हरामी, तूने एक अंडर एज लड़की से शादी की, और तो की तो की, तूने उसको प्रेग्नेंट भी किया और उसके साथ बच्चा भी बनाया तूने, इतना हरामी है तू। इसको मतलब बहुत सुनाती है, गालियाँ देती है उल्टी सीधी बहुत कुछ। और यहाँ पर हम पूरा देख सकते हैं कि जो वू के अंदर का वकील होता है, लॉयर है जो, वो जाग चुकी है। संग ये देख कर डर जाता है और यहाँ पर काफ़ी शौक भी है कि मेरी बीबी को क्या हो गया अचानक से। वो बाहर जाकर सोफे पर सो जाती है। अगले दिन वो उठ के अपने ओल्ड अपार्टमेंट में जाती है और इसका जो वीवीआईपी कार्ड था, जो कि मूवी के शुरू में इसके बॉस ने दिया था, इसको याद होगा अगर आपको, तो वो लेकर मॉल में पहुंच जाती है और यहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और पेमेंट के टाइम पर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा होता है और यहाँ पर नाम भी अलग शो कर रहा होता है, क्योंकि इसका नाम जो है अभी वू का, वो उस लेडीज़ का नाम है जिसकी लाइफ जी रही है, जो कि कांग होता है। अब इस वजह से कैशियर को लगता है कि ये जो औरत है ये चोर है और ये वीवीआईपी कार्ड कैसे चुरा कर लाई है और यहाँ पर खर्च कर रही है, बट कैशियर को क्या ही मतलब, वो पैसे लेकर कपड़े दे देती है। फिर यहाँ से वो घर आ जाती है। संग भी थोड़ी देर बाद काम से जब घर लौटता है तो इससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने एक अंडर एज लड़की से शादी कर ली। फिर गुस्से में कहता है कि तुमने ही मुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए, करो करो शादी करो। अब ये सुनकर वू का और दिमाग घूम जाता है कि वू की कोई गलती नहीं थी, ये खुद ने इसने कहा था उसे शादी करने के लिए, मतलब जो जिसकी लाइफ ही जी रही है उस लड़की ने इसे। फिर हम देखते हैं संग जो अंदर रूम में जाता है और महंगे महंगे कपड़े देख कर उसका दिमाग घूम जाता है, खाने के लाले पड़े हुए, उसको कपड़े पहनने इतने महंगे। संग इसको डांटने लग जाता है, तभी पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वू पर कार्ड चुराने का केस बनाया गया है, मतलब उस शॉप वाली ने इस पर केस कर दिया है। पर संग भी वकील जैसे बातें करने लग जाता है, अपनी वाइफ वू को यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो संग है ये भी वू के यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करता था, जहाँ से लो सीखा करती थी। बट संग की जो फैमिली थी वो काफ़ी पुअर थी, तो इसने अपनी जो स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी वो कम्प्लीट नहीं की और इसी वजह से ये वकील नहीं बन पाया था। यहाँ पुलिस के पास वैसे भी कुछ ज़्यादा सबूत होता नहीं है, इस वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ बाहर संग कहता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या किसी के साथ, वो मना कर देती है। संग मान जाता है और इसके सर पे हाथ फेर के यहाँ से चला जाता है। अब ये फीलिंग वो के लिए फर्स्ट टाइम थी, ऐसा आज से पहले उसके साथ किसी ने नहीं किया कि उसके सर पे इतने प्यार से हाथ फेरा हो। तब यहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अपनी फैमिली के साथ सब कुछ ठीक कर लो, अच्छा रिलेशन बना लो, मतलब सबसे रिलेशनशिप अच्छा कर लो, वरना तुम मैं ऊपर लेकर चला जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं संग को जो वू को कह रहा है कि मेरे साथ तुम्हें पार्टी में चलना होगा। ये जाना तो नहीं चाहती है पर मिस्टर किम की बातों का इसको याद आता है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ वू वैसे ही कपड़े खरीद कर पहन लेती है जैसे ये पहले पहना करती थी जब ये लॉयर थी। अब यहाँ पर जब संग इसको देखता है ऐसे कपड़ों में तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इतनी सुंदर कैसे दिखने लग गई आज ये। और यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए होते हैं। संग चेयरमैन से अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, बट संग का जो बॉस होता है उसको रोकते हुए मना करता है और कहता है कि हमें इस पे नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। अभी यहाँ पर फिर सब खाना खाने लग जाते हैं और वो अपने हस्बैंड का प्लान चेयरमैन को बताती है कि हमें एक ब्रिज बनाना चाहिए, वहाँ पर जो कॉमन लोग होते हैं उनको आने जाने में रोड पर प्रॉब्लम हो रही होती है। अब यह सुन के संग का बॉस भड़क जाता है और खाने के बाद इनसे मिलता है और संग की बेइज्जती करता है दबा के और कहता है कि अपनी वाइफ को लेकर आता है तो उसके पल्लू में छुपता है। संग कुछ नहीं कहता, वो जाने लगता है, बट बॉस यहाँ नहीं रुकता, वो वू को बीच बोल देता है। अब इस वजह से इसको आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और संग इसको मार के इसका मुँह ही तोड़ देता है। यहाँ से दोनों फिर हस्बैंड वाइफ बार में जाते हैं दारू पीने के लिए, दोनों बैठ कर यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। संग कहता है कि देखो मैं कुछ भी सुन लूँगा पर वाइफ की बेइज्जती नहीं सुन सकता हूँ, और कहता है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कुछ भी कर दूंगा भले ही मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। वो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। रात को वू को हारू के साथ सोना पड़ता है, वो बच्चा अपनी माँ से मच्छी को सो रहा होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब वू भी उसको पकड़ लेती है, मतलब वो भी अपना बच्चा इसको मानने लग गई है। अगले दिन इसकी बेटी हानुल इसे पॉकेट मनी मांग रही होती है, वो कहती है कि दे दूंगी, उससे पहले तुम्हें सारे जो शॉपिंग के बैग से उसको मोड़ कर देना होगा। हानुल गुस्सा हो जाती है पर इसको पैसे तो चाहिए, इसलिए ये अगले दिन पूरे बैग को मोड़ मार के ले आती है और कहती है लाओ पैसे दो, और कुछ पैसे दे देती है इसको। वो ये पॉकेट मनी को लेकर स्कूल तो नहीं जाती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पहुंच जाती है, और इसके साथ यहाँ पर इसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो गलत काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर तब हानुल को एक कैमरा दिख जाता है जो ऊपर लगा होता है, और साथ ही इसके बॉयफ्रेंड के यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स भी इसको दिख जाते हैं, मतलब ये साले कुत्ते हरामी यहाँ पर इसकी वीडियो बनाने वाले थे। अब यहाँ पर ये डर के भागने की कोशिश करती है बट वो चारों मिलकर इसको पकड़ लेते हैं, इसका बाल पकड़ कर जमीन पर मारते हैं और सीन यहाँ से कट हो जाता है। और हम देखते हैं काफ़ी देर बाद हानुल घर वापस आती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो काफ़ी दुखी है
और यहाँ पर वू को थोड़ा अजीब लगता है। वो जाकर इसको देखती है तो इसकी पूरी बॉडी पर निशान बने होते हैं, मतलब उन हरामियों ने इसके साथ बहुत गलत काम किया। ये बताती है उन लड़कों के बारे में, उन्होंने इसके साथ क्या क्या किया। ऐसी गंदी बात सुनने के बाद वू को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, इसलिए वो इसको अगले दिन लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और वहीं पर उस लड़के को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर ये जो लड़का है यानी इसका बॉयफ्रेंड, वो अपने वकील को लेकर आया है, मतलब इसको पता है कि इसने कुछ कांड कर रखा है, गलत काम किया, इसलिए वकील लेकर आया होता है। यहाँ पर वो भी एक वकील है तो ये बताने लगती है कि इसका बॉयफ्रेंड यानी इस लड़के के ऊपर क्या क्या केस बनेगा। बॉयफ्रेंड का वकील भी साला पागल होता है एक नंबर का, कुछ नहीं सुनता वो, आता जाता कुछ है नहीं इसको, और कहता है कि पैसे ले लो और बात को ख़त्म कर दो। वो को गुस्सा आता है और ये बाथरूम में जाकर बहुत रोती है मतलब। ओके, अब हम यहाँ पर अगर हम बात कर ले मूवी के शुरू वाले पार्ट की, तो जैसा कि सेम चीज़ जो वो ने किया था उस लड़की के साथ कि तुम्हें पैसे दे देंगे या तुम्हारे ऊपर हम केस कर देंगे अगर तुम केस करोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम लड़ नहीं पाओगी, ये वो, अब यहाँ पर वही चीज़ जो है वो के साथ हो रही है। तो वो यहाँ पर फील कर सकती है कि उस टाइम उस लड़की और उसकी माँ ने कैसा फील किया होगा, ऐसे कर्मा हो गया तो इन लोगों के साथ। ओके, कोई नहीं। अब यहाँ पर ये हानुल इसके पास आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम रिच नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम इसको जाने देते हैं, क्योंकि केस को लड़ने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो को जो गुस्से में वापस आती है अंदर, और यहाँ पर वकील अभी भी बोले जा रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे केस से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो लड़का है जल्दी कोरिया से बाहर चला जाएगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ब्ला ब्ला की चीज़ें जो होती हैं। और यहाँ पर वो फ़ोन निकालती है जहाँ उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है, जहाँ पर ये खुद अपना गुनाह साले कबूल कर रहे होते हैं, और कहती है कि अब तो तू गया। ये लड़का भड़क जाता है और वो को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वो पकड़ती है और ज़मीन पर पटक देती है और इसको सबक सिखाती है बहुत अच्छे तरीके से, और कहती है कि माफ़ी मांग मेरी बेटी से। हानुली ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि मेरी माँ इतनी एकदम से बदल कैसे गई। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो चारों होते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं, और कुछ दिन इनके साथ ही रहती है। और फिर मिस्टर किम आते हैं जो बताते हैं कि तुम एक वीक बाद मरने वाली हो। वो कहती है कि ऐसा मत करो वरना बच्चे अनाथ हो जाएंगे दोनों। किम कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन स्कूल से वापस आते हुए हारू बेहोश हो जाता है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, चेकअप होता है तो पता चलता है इसको एक अजीब सी बीमारी हो गई है। और वो को याद आता है कि यही सेम बीमारी इसकी मोम को भी थी। अब ये दोनों अपने बेटे का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, यहीं पर बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी मिस्टर किम आ जाते हैं जो वो को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इस कार के अंदर बैठ जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम मरने वाली हो। अब यहाँ पर ये कहती है कि मैं नहीं बैठूंगी, मुझे बैठने से पहले एक बार लास्ट अपनी फैमिली से मिलना है, गुड बाय बोलना है। मिस्टर किम पहले मना करते हैं बट वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, इस वजह से मिस्टर किम जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं। ये सबसे पहले जाकर हानुल से मिलती है और उसे अपने ड्रीम को फॉलो करने को कहती है, यहाँ वहाँ कुछ लफड़ेबाजी ना करे वो, ये सारी चीज़ें। फिर हारू से मिलती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर संग से मिलती है और बताती है कि बच्चों का ख्याल रखना, और यहाँ से वो चली जाती है और गायब हो जाती है। इसका मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुकी है। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है कोमा से। ये भागकर हारू को देखने जाती है पर हारू नहीं मिलता इसको, ना इसके अपार्टमेंट में कोई मिलता है, और यहाँ पर हारू के बस स्टैंड पर जाती है तो वहाँ भी वो नहीं मिलता है। फिर कुछ मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वो अपना सामान पैक करके कहीं जा रही होती है। इन्हीं पुराने सामान में इसकी एक फैमिली फ़ोटो मिलती है जिसमें इसके फादर की भी फ़ोटो होती है, और हम देखते हैं कि जो इसके फादर है वो बिल्कुल मिस्टर किम जैसे दिखते हैं, दिखते क्या है, मिस्टर किम ही है। यहाँ पर वो प्लान करती है कि अभी न्यूजीलैंड जाएगी, क्योंकि इसके फादर वहीं पर काम किया करते थे और वहीं पर इसके फादर की मौत हुई थी। फिर वो यहाँ से प्लेन लेती है और प्लेन में संग हानुल एंड हारू दिख जाते हैं इसको तीनों। वो तीनों इसको नहीं पहचान रहे बट ये तो उसको पहचानती है तीनों को, और ये बातों बातों में हारू से कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये कहता है हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, और ये भी बताता है कि मेरी मॉम की मौत हो गई थी कुछ महीने पहले, इसलिए हम माइंड फ्रेश करने के लिए हॉलीडे पर जा रहे होते हैं। और वो भी बातों बातों में थोड़ी देर बाद संग को बताती है कि वो अपने फादर से मिलने न्यूजीलैंड जा रही है, और ये जो मूवी हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ की मैं बात कर लूँ तो जो कि हमने सीन देखा था कि जब वो अपने तीनों फैमिली मेम्बर से मिलने के बाद जा रही थी, उसके बाद एकदम से गायब हो गई, उसके बाद एकदम से आँखें खुली उसकी हॉस्पिटल में, तो ये तो सीन हुआ होगा जब उसका फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जब वो मूवी के शुरू में अपनी गाड़ी चला कर जा रही थी उसी टाइम से वो हॉस्पिटल में थी, उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी बट उसकी जो आत्मा थी वो यहाँ घूम रही थी दूसरे की लाइफ में, और उसके बाद वो वहाँ वाले कोमा से उठी है, मतलब काफ़ी टाइम बाद। समझ गए होगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।